दोस्तों बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि बजार में जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कौन से प्रकार से इनकम होती है, क्या डिविडेंड इनकम इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यूएशन एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मैं अगर शेयर बाजार में निवेश करता हूं या मैंने किया था तो मुझे किस प्रकार से दोस्तों डिविडेंड अर्निंग और एप्रिसिएशन मिले होंगे। दोस्तों ये कंटिन्यूटी है पहले दो वीडियो की। दोस्तों अगर आपने अभी भी फर्स्ट वीडियो जो हमने निफ्टी प्रेडिक्शन पे किया था वो नहीं देखा है तो पहले ये फर्स्ट वीडियो देख लीजिए निफ्टी से हम क्या उम्मीद करें, और दूसरा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कौन से इंडेक्स आउट परफॉर्म करेंगे आने वाले समय में, ये दो वीडियो देखने के बाद दोस्तों कंटिन्यूटी में ये तीसरा वीडियो दोस्तों आपको काम लग सकता है। दोस्तों जनरली लोगों को पता नहीं रहता है कि मैं शेयर बाजार में से कैसे कमाता हूं। लोगों को शेयर बाजार में सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पता है कि मैं इंट्राडे करके कमा सकता हूं, मैं बीटीएसटी करके कमा सकता हूं, मैं फ्यूचर ऑप्शन करके कमा सकता हूं, पर ये सब प्रोडक्ट्स तो दोस्तों ब्रोकर ने बनाई हुई है, एक नाम दिए हुए है, ये रियल प्रोडक्ट नहीं है आपकी स्टॉक मार्केट की। दोस्तों शेयर बाजार बना हुआ है किसी और चीज के लिए, आपको लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंट इनकम देने के लिए और तगड़ा एप्रिसिएशन देने के लिए। तो दोस्तों ये कैसे होता है हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी में या स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से इनकम होती है। दोस्तों जब आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप जितना पैसा डालते हो उसके हिसाब से आपका एक स्टेक बनता है। कंपनी जो कुछ प्रॉफिट करती है वो सारे स्टेक होल्डरों में बंटता है। बटता है का मतलब यह नहीं है कि जो इस साल प्रॉफिट किया वो पूरा बांट देंगे। दोस्तों पूरा बांट देंगे तो एक्सपांशन कौन से पैसे से करेंगे, आप भी प्रमोटर की तरह स्टेक होल्डर हो दोस्तों, तो एक्सपांशन के लिए भी हमें पैसा चाहिए ताकि भविष्य में हम ग्रोथ कर सके। आज की जिंदगी बिताने के लिए भी हमें पैसा चाहिए, हमें डिविडेंड मिलता रहे तो हमें आज काम लग सकता है। तो दोस्तों कंपनियां इसी प्रकार से बढ़ती है, कंपनी ने जो प्रॉफिट किया कुछ हिस्सा वो लोगों का प्लान होता है कि भी हमारा एक्सपांशन का प्लान कैसा है, किस प्रकार से हम कैपेक्स करेंगे, तो वो लोग एक डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं कि चलो हम आने वाले समय में 30% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर उन्होंने जो प्रॉफिट किया और 30% का उनका प्लानिंग है तो वो प्रॉफिट में से 30% सारे स्टेक होल्डरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कितना? 30%। बाकी जो पैसा बचा दोस्तों वो रिटेन्ड अर्निंग में चला जाता है, फर्दर एक्सपांशन में दोस्तों काम लगे। तो दोस्तों ये होते हैं दो पार्ट आपके प्रॉफिट के। अब मुझे डिविडेंड मिला और जो रिटेन्ड अर्निंग गई मैं मानता हूं चलो वो भी मेरा पार्ट है, तो मुझे कैसे फायदा होता है या मुझे कितनी यील्ड होती है। दोस्तों जैसे आप कहीं पे भी निवेश करते हो, आपने फिक्स डिपॉजिट खरीदी तो आपको एक 6% फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए 6% हर साल आप ले लेते हो तो ये 6% आपके बैंक में कैश इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। वैल्यू कितनी रहती है? उतने की उतनी। मान लो 20 साल तक आपने 6% लेते गए तो ये 6% आपको मिलता गया, पर आपकी वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी। आज की जिंदगी में अगर मुझे 6% काम लगता है दोस्तों 20 साल 15 साल बाद जो चीज मैं खरीदूंगा उनके दाम बढ़ने से हो सकता है वो समय मुझे ये 6% काम ना भी लगे, पर चलो एक मेरी फिक्स सिक्योरिटी में एक प्रकार की इनकम होती है और वो क्या है? ईयरली इनकम। दोस्तों आपने कोई जगह खरीदी, आपने उसे रेंट पे दे दी, वहां आपको दो इनकम हो रही है। एक होती है दोस्तों आपको रेंटल इनकम, दूसरी होती है दोस्तों एप्रिसिएशन। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों हर साल 5-6% से हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती जाए। तो कितने प्रकार की इनकम हुई? दो। स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों ऐसे ही दो प्रकार की इनकम होती है। सबसे पहली इनकम, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने जो कंपनी में निवेश किया है आप कितना कमाओगे वो डिपेंड करता है उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। किस पे दोस्तों? प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होती है? दोस्तों आपने जितना निवेश किया है, जितना आपका स्टेक है, उसके हिसाब से दोस्तों प्रॉफिट आपको मिलता है। कैसे मिलता है मैं बाद में बताऊंगा, पर आपके स्टेक के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों इसी को सरल करने के लिए दोस्तों ईपीएस नाम का एक शब्द बनाया गया है, अर्निंग पर शेयर, जिसे मुझे पता चले होगी कंपनी की अर्निंग 1000 करोड़ पर मेरे हिस्से की अर्निंग कितनी। तो ईपीएस आपको बताती है आपके हिस्से की अर्निंग कितनी। आपने जो पैसा निवेश किया है उस पे जो ईपीएस हुआ या कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट हुआ, ये अंदाजे से दोस्तों आपको कितना मिलता है अप्रोक्सीमेटली। जैसा बैंक में फिक्स है आपको 6% एफडी, वैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी का पर शेयर जो प्राइस होता है उसको आप अपनी ईपीएस से कंपेयर करोगे, आपकी अर्निंग करीबन दोस्तों 3% की होती है। कितनी दोस्तों? अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 3% की यील्ड होती है। कुछ में 2% होगी, कुछ में 4% होगी, डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ दैट कंपनी। मतलब 100 रुपए का भाव है, 3 रुपए की ईपीएस है, तो सीधा मतलब है मैंने 100 रुपया दिया, मुझे कितना मिला? 3 रुपया। तो ये 3% दोस्तों मेरी यील्ड हुई, ये 3% मेरा फायदा है। क्लियर? एफडी में कितना आया? 6%, पर वो 6 के 6% आपके बैंक में आया। यहां पे क्या होता है? ये 3% आपकी यील्ड है, पर मैंने पहले बताया ये तीनों 3% आपके बैंक में क्रेडिट नहीं होता है। दोस्तों ऐसी कोई कंपनियां हैं जो मैच्योर होगी, जिनके और एक्सपांशन के प्लान नहीं होंगे, वैसी कंपनियां दोस्तों आपको हाई डिविडेंड यील्ड दे सकती है। यानी 3% जो यील्ड है वो पूरे पूरी कन्वर्ट हो जाती है 3% डिविडेंड यील्ड में। पूरे पूरा मेरे को डिविडेंड मिल जाता है, पर कंपनियां एक्सपांश कर रही होती है, आपकी इमर्जिंग कंपनी होती है, तो ये पूरा रुपया डिविडेंड में नहीं देगी। तो अंदाजे से दोस्तों हमने देखा है आपकी डिविडेंड यील्ड 1.5% के आसपास होती है। कितनी दोस्तों? 1.5% के आसपास की आपकी डिविडेंड यील्ड। तो बाजार में
आपको कौन से प्रकार की अर्निंग हुई? एक, पहली आपकी यील्ड हुई जो आपको पूरी बैंक में नहीं गई, पर यील्ड कितनी हुई? करीबन 3%। दूसरा, उसी में से आपको डिविडेंड मिला, राइट? तो आपकी एक्चुअल कैश फ्लो जो बैंक में आया वो डिविडेंड यील्ड कितनी हुई? 1.5% के आसपास। पर दोस्तों यहां पे बात खत्म नहीं हुई। आपकी जो कंपनी है, जो पैसा उसने रिटेंड अर्निंग में रखा है, वो दोस्तों साल दर साल बढ़ता जाता है, क्योंकि आपकी कंपनी जैसे इंडिया करीबन 8% का ग्रोथ कर रहा है, तो आपकी कंपनी 8-10-15% से बढ़ रही होती है। कंपनी का सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है और आपकी अर्निंग बढ़ती रहती है। तो ये जो रिटेंड अर्निंग है, ये हर साल इंक्रीज होती है। कंपनी के जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते हैं दोस्तों, एकदम क्लियर रखो, आपकी यील्ड प्रॉफिट पे डिपेंड है। जब कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, तब आपकी यील्ड हो सकता है 3% थी। आज वही कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट करती है, आपकी यील्ड 6% हो गई। दोस्तों ये कंपनियां जैसे जैसे ग्रोथ करती है, सेल्स बढ़ते, प्रॉफिट बढ़ते, आपकी जो यील्ड एक जमाने में दोस्तों 3% थी, वो दोस्तों 30% हो जाती है, वो दोस्तों 100% हो जाती है। हमने देखा है दोस्तों, समय बीतते ही आपकी स्टॉक मार्केट की यील्ड 100-200% आ जाती है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन ग्रोइंग कंपनीज। पर दोस्तों टिप के भरोसे रहेंगे, लॉस मेकिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जिनका धंधा ही नहीं बढ़ता है, तो फिर ये यील्ड नहीं मिलेगी। दोस्तों अहम बात पे मैं आ जाता हूं। पहला आपको डिविडेंड यील्ड मैंने बताया 1.5%, पर जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते गए आपकी एक्चुअल यील्ड 30% हो गई। आपने तो एक ही बार शेयर लिया, 100 रुपये पे शेयर लिया, आपको 1.5% डिविडेंड आया, खाली 1.5% यील्ड। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आपको जो 1.5% यील्ड आता था दोस्तों 15% यील्ड आने लगी डिविडेंड। एफडी में जो निवेश किया था वो तो आपको स्टैटिक है, कंसिस्टेंटली 6% डिविडेंड दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। पर स्टॉक मार्केट जो की कंपनियां जो एक समय पे खाली 1.5% दे रही थी, अभी कितना देने लगी? 15%, 30%, 50%, 100%। दोस्तों समय आता है, आपने जितना पैसा डाला होता है उतना हर साल आपको डिविडेंड में मिलता है। तो ये हुई आपकी दोस्तों पहली इनकम। दोस्तों ये भी बड़े काम की है, आज हो सकता है आपको जरूरत नहीं है डिविडेंड की, पर आप जब रिटायर होंगे तब यही सब डिविडेंड की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, तब दोस्तों ये कंसिस्टेंट इनकम काम लगेगी। उसके साथ दूसरी चीज दोस्तों, मैंने बताया था कि एफडी में जो इंटरेस्ट आ रहा है, देखो एफडी अच्छी चीज है, हमें फिक्स इनकम देती है, पर उसका ड्रॉबैक क्या है? उसका वैल्यू ग्रो नहीं करता है। तो 15-20 साल के बाद भी अगर मुझे वही 6% आएगा, मुझे काम नहीं लगता है। स्टॉक मार्केट की खूबी ही यह है कि जो मुझे हर साल डिविडेंड आ रहा है या जो मेरा पैसा रिटेंड अर्निंग में जमा हो रहा है, उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, आपने कोई शेयर 100 रुपये में लिया, आज उसकी वैल्यू 1000 हो गई होती है, 2000 हो गई होती है। तो आपको दोनों प्रकार से फायदा होता है, आपकी डिविडेंड इनकम कंसिस्टेंट आती है, बढ़ती जाती है, साथ में आपकी वैल्यू भी साल दर साल बढ़ती जाती है, क्योंकि कंपनी आपकी बढ़ती जाती है। दोस्तों दोनों प्रकार से दोस्तों हमें स्टॉक मार्केट में फायदे होते हैं, और इसका एकदम सिंपल उदाहरण बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक निफ्टी का एग्जांपल लिया हुआ है। दोस्तों 2012-13 का खाली डेटा है, 10 साल का मैंने यहाँ पे डेटा लिया है। निफ्टी थी 5-6 हजार, उस समय निफ्टी की कंपनियों का डिविडेंड दोस्तों 88 रुपीज आता था। आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कितना हुआ, कुछ भी नहीं। पर ये जो आपने 5-6 हजार के निफ्टी पे पैसा डाला है, आप देख सकते हो साल दर साल हर साल दोस्तों आपका डिविडेंड बढ़ता जा रहा है। यही 88 का डिविडेंड दोस्तों आज कितना हो गया है, 189। अब दोस्तों पिछले साल आपका डिविडेंड 189 का आया, चलो कोविड में आपके शेयर गिर गए, वैल्यू कम हुई, पर वो तो टेम्पररी था, वैल्यू बढ़ भी गई ना। तो जो घटे थे तब क्यों आपको टेंशन आ गया था कि आपके डिविडेंड बंद हो गए थे? दोस्तों शेयर गिरे इसलिए होते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। देखो आपको डिविडेंड कोविड वाले साल में भी 112 का तो आया था, तो डिविडेंड आपको हर साल मिला है, कंसिस्टेंट मिला है। दोस्तों आने वाले 15-20 साल भी ऐसे ही डिविडेंड मिलता जाएगा, डिविडेंड मिलेगा भी बढ़ेगा भी। तो फॉल में घबराने का नहीं, चिंता की कोई बात नहीं होती दोस्तों, टेंशन क्यों लेते हम लोग। आज अगर शेयर बड़े होते हैं कल वो गिरेंगे, और आज के गिरे हुए शेयर कल बढ़ेंगे, तो भाव की बहुत माया जाल में ना पड़ो। जो डिविडेंड आपको मिल रहा है वो कंसिस्टेंट मिलेगा और बढ़ता जाएगा। दोस्तों ये साल आप देख सकते हो, अभी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोस्तों, ये नवंबर खत्म हुआ है, तो अभी 4 महीने बाकी है, और इस साल निफ्टी ने ऑलरेडी पिछले साल से ज्यादा डिविडेंड दे चुका है। अब आप अपना भी हिसाब कर लेना, पिछले साल कितना डिविडेंड मिला था, इस साल कितना मिला, डिविडेंड बढ़ के आएगा कि नहीं? 12 महीने में तो ये डिविडेंड 25-30% इस साल बढ़ा हुआ होगा। तो क्लियर है दोस्तों, आपको इसी प्रकार से हर साल डिविडेंड मिलते हैं, साथ में वैल्यू बढ़ती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो नो नीड टू वरी, जस्ट इन्वेस्ट इट, डू SIP, कंसिस्टेंटली पैसा लगाते जाओ और एक अच्छे वेल्थ क्रिएशन के रोड पे चलते जाओ। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे पूरी उम्मीद है ये जो तीनों सेशन थे आप लोगों को दोस्तों काम लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।